हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पकोड़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। कढ़ी बनाएंगे। 200 ग्राम यहाँ बेसन ले लूँ हूँ और 1 कटोरी खट्टा दही, मिर्च पाउडर, जीरा, राई, अजवाइन और यहाँ पे हरा मेथी, प्याज, हरी मिर्च 2-4 और स्वाद अनुसार नमक ले लूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चेरी टमाटर भी डाल दूंगी उसमें हल्का सा कट करके। तो इसी तरह से मैं मिर्च को बारीक बारीक कट कर लूंगी ताकि जो पकोड़ा बनाऊंगी ना उस पेस्ट में हरी मिर्च और प्याज दोनों को ऐड कर दूंगी। तो इसी तरह से मिर्च को मैं बारीक बारीक काट लूंगी। और तड़का के लिए यहाँ पे मैं 2-4 मिर्च भी लूंगी। तो तड़का के लिए मैं यहाँ पे मिर्च को बीच से इसी तरह से चीरा लगा दूंगी। तो चलिए इसी तरह से सभी मिर्च को मैं कट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे कट हो गया है। तो मैं हरा मेथी को इस तरह से इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पे मेथी भी कट हो गया है। इसी तरह से मैं प्याज को भी रफली काट लेती हूँ तड़का के लिए भी और बेसन में डालने के लिए भी, पकोड़े के लिए। इस तरह से रफली इसको काट लेती हूँ मैं। इसी तरह से मैं सारे मिर्ची, हरी मिर्च सभी को मैं कट कर लूंगी। और चलिए यहाँ पे मैं बेसन ले ली हूँ। बेसन में स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर लूंगी और इसमें जो बारीक काटी हूँ ना हरी मिर्च उसको भी ऐड कर लूंगी। यहाँ पे हल्दी पाउडर 1 आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लूंगी। यहाँ पे प्याज को डाल लेती हूँ, बड़ा बड़ा स्लाइस में काटी हूँ। यहाँ पे मिर्च को भी डाल दूंगी, हरी मिर्च। इसी तरह से सभी को पानी डालकर इसमें एक ठीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 पिंच यहाँ सोडा डाल ली हूँ ताकि हमारा पकोड़ा जो है अच्छा से सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर ली हूँ। इसी तरह से इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छे से गुठलियाँ ना पड़े तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसी तरह से हम इसको मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी, तो चलो पानी डाल दी हूँ और इसको अच्छे से और फेंट देते हैं ताकि हमारा जो इसमें पड़ा है मिर्च और प्याज सभी एक साथ अच्छे से घुल जाए। इसी तरह से हम उसको करीब करीब 5 मिनट तक तो अच्छे से उसको फेंट देंगे। इस तरह से धीरे धीरे फेंट कर जरूरत के हिसाब से और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। तो थोड़ा सा और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। इसको फिर मैं अच्छे से मिला दूंगी। इसी तरह से उसका कलर, थोड़ा सा हल्दी डाल देने से भी बेसन के कलर जो है अच्छा दिखने लगता है। तो इस तरह से मैं इसको पेस्ट बना लूंगी ठीक सा। अच्छा से इसको फेंट लेते हैं। देखिए हमारा पकोड़े के लिए इतना बैटर जो है रेडी है। तीसरे तरह थोड़ा सा इसको और मिलाने के बाद मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी ताकि हमारा बेसन जो है और अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट के लिए इसको ऐसी कवर कर दूंगी साइड में। तो मैं यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लूंगी। गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर लो है, लो टू मीडियम मीडियम रखी हूँ ताकि हमारा कढ़ाई जो है जल्दी से गर्म हो जाए। तो चलो यहाँ पे मैं ऑयल डाल देती हूँ पकोड़ा बनाने के लिए। इस तरह से गर्म हो रहा है तो हमारा तेल, और यहाँ पे 5 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा बेसन जो है अच्छे से फूल गया है। तो चलिए यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। तो इसी तरह से मैं एक बार वो अच्छे से मिला देती हूँ सारे बेसन को। इसी तरह से अच्छे से उसको फेंट देती हूँ। तो हमारा बेसन जो है बिल्कुल पकोड़ा बनाने के लिए रेडी हो गए थे। वैसे तेल भी गरम हो चुका है यहाँ पर। गैस का फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम रखी हूँ। इसी तरह से मैं पकोड़े को एक एक करके मीडियम साइज में डालूंगी, ना छोटा नहीं बड़ा, मीडियम साइज में ऐसी रफली
कोई आकार नहीं, बस डालते रहेंगे इसी तरह से। देखिए हमारा पकोड़ा जो है बन रहा है, इसी तरह से डालते रहेंगे। पकौड़ा जो है यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, मीडियम ब्राउन। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा पलटी कर लेते हैं। उसके बाद पकौड़े के लिए तो ज़्यादा तलने की, कढ़ी के लिए तो ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना ठीक है। गोल्डन हो गया तो मैं इसको निकाल लूँगी यहाँ पे। इसी तरह से देखिए थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, पकौड़ा जो है पक गया है अच्छे से, कढ़ी के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए यहाँ पे मैं सारा पकोड़े को निकाल देती हूँ इसी तरह से। पकोड़ा रेडी हो गया है, तो चलो तड़का लगा लेते हैं यहाँ जीरे का और अजवाइन का। पकोड़े में अजवाइन का तड़का भी अच्छा लगता है, कभी आप भी लगा के देखिए। यहाँ पे इसी तरह से सारे तड़का के लिए रेडी की थी, मिर्ची प्याज मेथी ये सबको ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसको चम्मच चला देती हूँ 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह से, और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल यहाँ पे लो रखें, ताकि हमारा जो तड़का है हल्का सा वो सैलो फ्राई हो जाए। इसी तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। तड़का जो है बिल्कुल यहाँ गोल्डन हो गया है, तो इसी दौरान हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो दही को बेसन डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिला देते हैं, ताकि हमारा दही जो है कढ़ाई में डालते वक्त फट ना जाए। कभी कभी क्या होता है, फ्लेम जो हाई रहता है तो हम दही ऐड करते हैं कढ़ाई में, तो उस दौरान फटने का डर रहता है, तो फटे ना उससे थोड़ा सा दही ऐड कर दो। इसी तरह से मैं थोड़ा सा हल्दी भी डाल दूंगी जरूरत के हिसाब से, जिससे हमारी सब्जी में कलर आए। इस तरह से सारे दही को ऐड कर दूंगी मैं इसी तरह से। उसको 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से फेंट देंगे दही और हल्दी और बेसन को, ताकि अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो चलो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ गैस का फ्लेम जो बिल्कुल लो रखी हूँ, ताकि हमारा दही फट ना जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा चम्मच चला देते हैं। अभी ग्रेवी जो है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, देखिए तो इतना ग्रेवी पकोड़े के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ इस तरह से। देखिए ठीक है, अब चम्मच और कलर कितना अच्छा है। तो पहले से आप तड़का में डालने के बजाय आप हल्दी को बेसन में, उसमें दही में ऐड कर सकते हैं, तो कलर बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरा कढ़ी जो है बिल्कुल पक रहा है यहाँ पर। सॉरी मैं पकोड़े ऐड करते समय नहीं दिखाई आपको। इस तरह से देखिए हमारा कढ़ी जो है बिल्कुल पक रहा है। कढ़ी हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो चलिए हम गैस ऑफ कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी।